बसों का टूटना, रेलगाड़ियों को जलाना, भीड़ का हिस्सा होकर पत्थरों को बरसाना, ये घाव दे रहे हो तुम खुद के ही सीने पर। जिस वतन से मोहब्बत है उसी को तोड़कर कैसे बातें रख सकोगे अपनी। तुम्हारी लड़ाई भले ही अपने अधिकारों की रही, पर हिंसा का रास्ता तुम्हारे अपनों को ही घाव देगा। इसीलिए आवाज उठाओ, पत्थर नहीं। हाल क्या है हमारा न पूछो मिया, ईटा पत्थर चलाना महंगा पड़ गया। पहले भर पेट कुटाई हमारी हुई, फिर घर पे बुलडोजर चलाया गया। भाई जान, पत्थर तो कल हमने भी चलाया था। तो घर जाइए मिया, बुलडोजर आपका इंतजार कर रहा है। ये दिल्ली की जनता, अरे दो मिनट, ये दिल्ली की जनता है। इसने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में सरकार का वोट दे दिया, तो आज अब्दुल से पत्थर खा रही है। हम यूपी के हैं, हमने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी को लात मारी, तो आज बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। अपनी राय देने से पहले कृपया करके एक बार मेरी राय पूरी अवश्य सुन लीजिएगा। भारत सरकार सेना में भर्ती के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसका नाम है अग्निपथ, जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की भर्ती होगी सिर्फ 4 साल के लिए। इस योजना के तहत जो भी जवान भर्ती होंगे उनके लिए अग्निवीर का नाम दिया जाएगा और 4 साल के बाद 75% जवानों के लिए घर भेज दिया जाएगा। जिन जवानों के लिए घर भेजा जाएगा उन्हें लगभग 11,71,000 रुपए की सेवा निधि भी दी जाएगी, यानी कि जब वो 21 से 25 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे तब लगभग उनके हाथ में 11,71,000 रुपए होंगे। शेष बचे हुए 25% जवानों के लिए स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा। अब जैसे ही मोदी गवर्नमेंट ने इस योजना के बारे में बताया, उसके बाद से ही हमारे देश में जगह जगह पर दंगे होने लगे। स्पेशली बिहार में जगह जगह पर ट्रेनें चलाई गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। जो दंगाई है, इन सबका एक मेन सवाल है कि जब 21 से 25 की उम्र में रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद वो लोग क्या करेंगे। मैं इन दंगाइयों से और आप सबसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो युवा आज 24 से 25 साल का, वो आज के समय में क्या कर रहा है। अधिकतर युवा जो 24, 25, 26, 27 साल के, वो पढ़ाई ही कर रहे हैं। कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो कोई टीचिंग की तैयारी कर रहा है, और कुछ ऐसे युवा है जो 10-15 हज़ार रुपए की प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है। एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर कहीं भी रेलवे या UPSC में 1,000 या 2,000 जॉब निकलती हैं, तो उसके लिए कम से कम 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक फॉर्म पड़ते हैं, बट जो वैकेंसी है वो सिर्फ 1,000 या 2,000 लोगों के लिए है। फॉर्म डाला है 4 से 5 लाख लोगों ने, यानी कि जॉब मिलेगी सिर्फ 1 से 2 हज़ार लोगों के लिए, और जो बाकी के लोगों ने जॉब नहीं मिलेगी वो फिर से उसी की तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें अग्निपथ योजना की, तो जो युवा आज के समय में 24, 25, 26, 27, 28 तक अपनी सिर्फ तैयारी ही करता रहता है, और स्पेशली बात करें JNU की, तो वो तो 40-45 साल तक पास की पढ़ाई ही करते रहते हैं, बट यहाँ पर अग्निपथ योजना के तहत जो युवा होंगे वो 21 से 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे और उनके हाथ में 11 लाख रुपए होंगे और अच्छा खासा आर्मी का उनके पास अनुभव होगा। आज के समय हमारे देश में कितने युवा ऐसे होंगे जिनके पास 21 से 25 साल की उम्र में 11 लाख रुपए होंगे। 11 लाख रुपए होना तो दूर की बात रही, एक साथ 11 लाख रुपए देखे भी नहीं होंगे। अगर आप थोड़े बहुत भी समझदार हैं तो 11 लाख रुपए में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और बैंक वाले भी आपको आसानी से लोन देंगे। अगर आपको नौकरी ही करनी है तो थोड़ी सी मेहनत और कर लेना, उन 75% में ना जाके बची हुई 25% में आ जाना। और बहुत से लोगों का एक सवाल और है कि अगर हम 10th पास करके आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, बट 4 साल बाद जब हम वापस आएंगे तो हम सिर्फ 10th पास होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो अग्निवीर होंगे उनके लिए 12th पास तक की मान्यता दी जाएगी, और हमारे जो भाई 12th पास करने के बाद आर्मी भी जाएंगे, गवर्नमेंट उनके लिए भी ऐसी ही व्यवस्था कर रही है। एक बार विचार करो कि आज तुमने 24-25 साल की उम्र में क्या कर लिया। इस योजना के आने के बाद कम से कम रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे, मात्र 24 से 25 साल की उम्र में आपके पास 11 लाख रुपए होंगे और अच्छा खासा आर्मी का अनुभव होगा। चलो एक बार अब इस योजना के लिए हम लोग दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। पैसा देने के बजाय 4 साल का एक ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया जाता और हर साल की फीस 4 से 5 लाख रुपए रखी जाती, और 4 साल बाद हाईएस्ट रैंक लाने वाले उन 25% लोगों के लिए सेना में भर्ती के समय प्राथमिकता का वादा दिया जाता। तो ना जाने कितने लोग अपनी जमीन बेचकर एडमिशन करा रहे होते। हमारी एक आदत सी बन चुकी है, और कोई चीज हमें आसानी से मिल रही है तो बस उस पर शक करो। ये मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ एक एग्जांपल मात्र दिया, बट ना जाने कितने कोचिंग माफिया आज के समय में ऐसा ही कर रहा है। और मेरे जिन भाई बंधुओं के लिए ये अग्निपथ योजना गलत लग रही है, आप सबसे यही कहना, बस थोड़ा सा वेट करो, बस एक बार ये अग्निपथ योजना आप लोग लागू होने दे, फिर आपको पता लग जाएगा कि विरोध करने वाले लोग ज्यादा हैं, नौकरी पाने वाले ज्यादा हैं, अग्निपथ योजना गलत है या सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की बेवकूफियों की, कहां पर क्या गलत किया है। ये अग्निपथ योजना आने से पहले हमारे बहुत से भाई ऐसे थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके रेस निकाली, मेडिकल निकाला,
बस उनका एग्जाम होना बाकी था, बट सरकार ने क्या किया, उन सभी भर्तियों के लिए रद्द कर दिया, जो कि गलत नहीं है, बहुत ही ज्यादा गलत है। सरकार को पहले उन भर्तियों के लिए कंप्लीट करना था, उसके बाद अग्निपथ योजना लानी थी। बाकी जो अग्निपथ योजना है वो भविष्य में हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाली है, क्योंकि जितना खतरा हमारे देश के लिए पड़ोसी देशों से नहीं है, उससे कई ज्यादा खतरा देश में छिपे गद्दारों से। आप लोग शायद अग्निपथ योजना के लिए अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु ये लोग बहुत ही भली बात ही समझ चुके हैं। इतना है ये जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चल रहा, बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है, और जब गाड़ी खड़ी करके जाता तो कहाँ दी यार, रेलवे पुलिस फोर्स कहाँ दी। आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे, पहले कहाँ गए थे सब, किसी ने भी चलाई वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने वो बोले कि ये इंसाफ है क्या, इससे नौकरी मिल जाएगी उनको रेल में। अरे मोदी जी से दिक्कत है, नीतीश से दिक्कत है, तो वहां जाइए ना। अब भला इस भाई की इस योजना में क्या गलती थी, उसने पूरी जिंदगी की कमाई से अपने सपनों की कार खरीदी और एक सेकंड में सब खाक हो गया। ये स्कीम आई है इसमें जो काफी सारे लोग कुछ वर्ष की सेवा देने के बाद भारतीय आर्मी में ट्रेनिंग लेने के उपरांत फ्री होकर प्राइवेट सेक्टर की ओर आएंगे, मुझे लगता है कि उनको प्राइवेट सेक्टर सराखों पे लेगा, और विशेषकर जो प्राइवेट सुरक्षा संस्थान है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर का जो एरिया है, उसके लिए तो ये एक ब्लेसिंग साबित होगा, और बाकी सेक्टर्स में भी ऐसे लोगों की बहुत अधिक आवश्यकता है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, इसका हम स्वागत करते हैं। ये जो स्कीम है इट इज इन दैट डायरेक्शन, तो हमारे आर्म्ड फोर्सेज में अभी यंग रहेंगे, एक्सपीरियंस रहेंगे, उनका जो ब्लेंड है वो बड़ा पोटेंट रहेगा, और जो अग्निवीर जब अपनी ये ड्यूटी करके जब सिविल सोसाइटी में फिर स्टेप करेंगे, दे विल बिकम अ ग्रेट पूल ऑफ टैलेंट, जिससे हमारी जैसी कंपनियां उनको रिक्रूट कर पाएंगे, बिकॉज ये लोग यूथफुल, स्किलफुल, डिसिप्लिन्ड एंड पैशनेट लोग होंगे। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ अस should support it because it's in the interest of everyone. आइए आपको एक न्यूज दिखाता हूँ। आक्रोश के पीछे षड्यंत्र बरगला रहे कोचिंग संस्थान, तुम्हारा भविष्य चौपट हो गया, अब सेना की नौकरी भूल जाओ, इतने दिनों की मेहनत बेकार चली गई, कुछ बड़ा करो, थाना जलाओ। अब आप लोग स्वयं विचार कीजिए कि ये दंगे कौन करा रहा है, इस अग्निपथ योजना से किसका नुकसान होने वाला है। ये बताइए कि आखिर ये जो अग्निपथ योजना है इसमें है क्या, ये किसी भी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए, ये है क्या योजना, ये योजना के बारे में बताइए, इसके लेकर आप धरना पे बैठे हुए हैं। हमको इतना नहीं पता है। क्या हमको इतना भी नहीं पता है? नहीं पता है। आखिर अग्निपथ योजना जो है उसमें 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सैनिकों की बहाली है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है और आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए, तो आप कुछ कहिए इसके बारे में। हमको भी इतना नहीं पता, हमको मनीष भैया बोले तो आए। ये लोग उन्हीं में से आते हैं जिनमें खुद का दिमाग नहीं होता या खुद के दिमाग को बिल्कुल यूज ही नहीं करते, या किसी ने 250-500 रुपए थमाए, निकल लिए दंगा करने, ट्रेनों को आग लगाने, इन्हें यही नहीं पता कि अग्निपथ योजना क्या है और जल्दी उसका विरोध करने। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पर ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। सर क्या तैयारी इसकी पूरी थी पहले से, जो बाकी जिलों में? योगी जी, मुगल हमारे आदर्श नहीं है, हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण जी भी हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जब हमारी योगी महाराज की कृपा बरसती है तो अच्छे अच्छों के आदर्श हमारे श्री राम जी बन जाते हैं। दुनिया के करीब 30 देशों में आपको पता है सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ जैसी योजना चल रही है, 30 कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ नया अजूबा ढूंढ दिया है, और बड़े बड़े सुपर पावर ऐसी अग्निपथ जैसी योजना चला रहे हैं जिसमें 4 साल या इससे भी कम समय के लिए सैनिकों की भर्ती होती है।
सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। यहां सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होती है, इसके बाद 4 साल के लिए रिजर्व ड्यूटी होती है। किसी युद्ध या इमरजेंसी की स्थिति में इन्हें ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। अगर अमेरिकी सैनिक 20 साल तक सेना में ड्यूटी करते हैं तो उन्हें पेंशन मिलती है। 20 साल से कम ड्यूटी पर सिर्फ भत्ता दिया जाता है। अमेरिका के बाद रूस के पास दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना है। यहां 18 से 27 साल के हर नागरिक के लिए आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य है। सैनिकों को 8 महीने से 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद बेस्ट सैनिकों को यूनिट में भेज दिया जाता है। जो बच जाते हैं वो ट्रेनिंग खत्म के बाद सेना के बाहर दूसरे काम कर सकते हैं। युद्ध की स्थिति में ऐसे ट्रेंड सैनिकों को आर्मी यूनिट्स ड्यूटी पर बुला सकती है। भारत के पड़ोसी देश चीन, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। चीन ने 2035 तक सेना के मॉडर्नाइजेशन का लक्ष्य रखा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में चीन ने सैनिकों की भर्ती से ज्यादा मॉडर्नाइजेशन पर काम किया। चीन की सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ जैसी योजना है। चीन की थल सेना में सैनिकों की भर्ती 3 साल के लिए होती है, नौसेना और वायुसेना में यह 4 साल की होती है। सैनिक ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक सेना में सक्रिय सेवा दे सकते हैं। यूरोप में फ्रांस के पास सबसे ज्यादा सैनिक है। यहां सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। सैनिक और आर्मी के बीच पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सैनिकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रांस की आर्मी में कम से कम 19 साल सेवा देने वाले को ही पेंशन मिलती है। इसराइल एक और पावरफुल कंट्री, वहां आर्मी को दुनिया की सबसे स्मार्ट मिलिट्री यूनिट माना जाता है। यहां के हर नागरिक के लिए आर्मी में भर्ती होना अनिवार्य है। 1948 में इसराइल के आजाद होने के बाद से ही यह नियम लागू हो चुका है। पुरुषों को 3 साल और महिलाओं को 2 साल सेना में ड्यूटी करनी ही पड़ती है। 3 साल और 2 साल की ड्यूटी करने के बाद करीब 10% सैनिकों का यूनिट्स में सिलेक्शन होता है, मात्र 10%। जो सैनिक आगे के लिए सेलेक्ट होते हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 12 साल तक इजरायली सेना में काम करने वालों को पेंशन भी दी जाती है। यानी दुनिया में यही कुछ चल रहा है, ऐसी ही अग्निपथ जैसी स्कीम चल रही है जो भारत में चल रही है। लेकिन भारत में जिस तरीके का विरोध हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। अग्निपथ को लेकर जो जानकारियां हैं वो आपको लगातार दे रहा हूं। उसके बाद भी कोई चिंता है, कोई वजह बचती है, हमसे संपर्क कीजिए, हम मुद्दा उठाएंगे। नहीं रहे सरकार से सीधे बात कीजिए, नहीं है कोर्ट चले जाइए। लेकिन जो लोग इस देश में आग लगाना चाहते हैं, आग लगाने मरने मारने के लिए आपको भड़का रहे हैं, उनसे दूर रहें, क्योंकि वो आपके छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर देश पर चला रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। सैनिक आग नहीं लगाता, सैनिक आग बुझाता है, ये याद रखिए। वैसे तो हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि अमेरिका में ये है, रूस में वो है, इजराइल में हर किसी को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, काश हमारे भारत देश में भी ऐसा हो जाए। जब आज के समय में हमारे देश में वैसा थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है, तो हम भी लोग उसका विरोध करने पे लगे हुए हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अग्निपथ योजना को लेकर कमेंट सेक्शन में अपने विचार देना मत भूलिएगा। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों की कमेंट्स को पढ़ सकूं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।